अबे 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 दादा देख 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 क्या लेके जा रही है। डाइपर है इनका। वैसे शर्म नहीं आती आजकल की लड़कियों को, गंद को भी खुलेआम लेके घूम रही है, ये नहीं छुपा के ले जाऊं फिर बनी फिरती है मॉडर्न। अबे छोड़ना हमें क्या। चले चलो। मम्मी मम्मी क्या हो गया? क्या हुआ बहन? अब मम्मी मार्केट देंगे, शाम तक आएंगी तो केमिस्ट्री की दुकान से भूल आएगा क्या? क्या? पैड का पैकेट। पैड? पैड क्या? अरे वो लड़कियों वाला पैड। तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं नहीं जा रहा वो लेने, कोई देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा? अरे तो कौन जाएगा भैया, मम्मी भी घर पे है नहीं, किससे मंगाऊं मैं? मैं खुद भी तो नहीं जा सकती, प्लीज ले आप। अच्छा जा रहा हूँ लेने। भाई वो पैड होगा। पैड आया ना, 900 रुपये दो। चलो भाई कुछ कवर वगैरह कर दो इसको। भाई वो पन्नी वन्नी खत्म हो गई है, आप ऐसे ले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यार फिर भी यार एक बात बता, जब डॉक्टर से दवा लेते हो तो उसे ढक के लेके जाते हो क्या? नहीं ले जाते ना, ये भी दवाई है ले जाओ ऐसी। सुन ये ले, इसे ढक ले इसे, अगर शराब आ रही है तो। ओ डार्लिंग कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, कई काम से गया था। ये क्या छुपा लिया? अबे पागल हो क्या? चंद्रिका क्या है इसमें? अरे सुन तो सही, अबे दादा इसमें कुछ लगता है तगड़ी चीज है, जब ही हमसे छुपा रहा है, ऐसे तो नहीं करता ही। ये कह जा। अरे रुक तो जा भाई, अरे सुन तो, अरे दिखा दे क्या है इसमें, क्या है दिखा तो दे क्या है इसमें। ये पैड है। अबे भाई ये भी लेके जा रहा है। डगले 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 इसको डगले 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 डगले। नहीं डग रहा, मेरी बहन ना घर पे बीमार है और ये उसकी बीमारी में उसको राहत देगा ना, तो मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें और ना ही कोई छुपाने वाली बात। हम लड़कों से है ना आज तक ये चीज ना छुपाई गई है, इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। हमारे लिए तो सिर्फ एक ये गंदी सी चीज बन के रह गई है, पर आज जब मैं खुद इसको खरीदने गया ना तब मुझे पता चला ये सिर्फ एक दवाई है, और दवाई को छुपाने की चीज नहीं होती। और सालो ये चीज ना तुम्हारी बहन के पास भी पाएगी जो तुम हंस रहे हो। बस वही डांट क्यों रहा है, सॉरी। तेरी तो तबीयत खराब थी और ये कर रही है आपे। बताया था इसने मुझे घर आके कि क्या कर रहा था तू अपने दोस्तों के साथ। तेरे में ना अकल डालनी जरूरी थी, और तुझ में अकल जब तक नहीं आती जब तक तू ये खुद खरीद के नहीं लाता, बस इसलिए ये ड्रामा करना पड़ा। सॉरी भैया, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, स्कूल में लड़कियों को अलग ही जाकर इसके बारे में बताया जाता है, और लड़कों को तो पता भी नहीं होता ये चीज किस लिए यूज होती है।
गंदी चीज थोड़ी होती है, गंदगी साफ करने के लिए यूज होता है। पर हर लड़की को तो ये चीज सही होती है, पर पता नहीं क्यों लोग आज भी इसको छुपा कर बेचते खरीदते हैं। ये गंदी है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप, आपके दोस्त और ना जाने ऐसे कितने लोग इसे गंदा मानते हैं और कमेंट पास करते हैं। तो आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करिएगा। जा